चलिए सबसे पहले आपको एक बार हम रिजल्ट फिर से बता दें। कुछ बच्चों का पता नहीं क्या नेटवर्क इशू हुआ या फिर उनको चलाने अभी भी नहीं आ रहा ये टीचमेंट है। वो कह रहे हैं शिवानंद कहाँ गया, जरा सामने कहाँ गया शिवानंद? यस सर, हमारा कैमरा ऑन क्यों नहीं है सर? नेटवर्क के फाइंड में सर दूसरे जगह मतलब पड़ा है वहां। अच्छा तो तुम्हारा तो पेपर सबमिट हुआ है टीचमीट ऐप पे, ऐप पे तुमको चलाने नहीं आया अभी भी। तुम वीडियो दे ही देखे दोबारा चलाने वाला, सबको गाइडलाइन वीडियो देखे भेजे थे, वीडियो भूल गया होगा, चलाने आया नहीं होगा, ये सबमिट कर दिया पहले ही, तो क्वेश्चन पेपर कहाँ से दिखेगा फिर उसके बाद? यही सेम कंडीशन इरहान का भी हुआ है, तब ये दोनों को अलग से हम पीडीएफ भेजे पेपर सॉल्व करने के लिए। तो अब हम पहले एक बार फाइनल रिजल्ट आप लोग के सामने रख देते हैं। वैसे तो रिजल्ट आप देख ही चुके होंगे, ठीक है, रिजल्ट तो आप देख चुके होंगे। जस्ट कितना नंबर आया ये शिवान तुम्हारा अभी? 216। यस सर। ईरान तुम्हारा 256। 61 नंबर वाला आंसर देख लियो ना? यस सर। ठीक है, अभी पेपर डिस्कशन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि चार क्वेश्चन में सीधे सीधी करेक्शन है आंसर, ठीक है, बाय मिस्टेक मेरे से गलत आंसर डाला गया है, ठीक है। वो क्वेश्चन सीरियल वाइज है, 86 से लेकर 89 का आंसर मिस्टेक है, सीरियल वाइज आंसर मिस्टेक है, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि आंसर करेक्शन है तो वो तो अभी डिस्कशन से समझ में आएगा, लेकिन ऐसे मैं आपके सामने एक बार पहले रिजल्ट रख दूँ, ठीक है। देखो पहले इस वाले निधि को मैं बोल रहा हूँ जिसका नाम निधि नेहल है, वो अपना नाम आज ही टीचमेंट पे एडिट कर लेना, नहीं तो बार बार कन्फ्यूजन होगा। दोनों का नाम अभी निधि हो गया, इसका नाम खाली निधि है ही, तो इसका नाम में तो कुछ ऐड किया नहीं जा सकता। 12, ये 12 से फायदा क्या होगा जब नेहल है ही, तो आप अपने नाम में नेहल लगा लेना ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो बार बार, ठीक है। तो ये जो निधि फर्स्ट रैंक पे है ये वो है निधि कुमारी, निधि नेहल नहीं है, ठीक है। तो इसका नंबर आया है 327, फर्स्ट रैंक है इसी का। इसको अभी और 20 नंबर मिलेगा, आंसर करेक्शन जो चार हुए चारों इसका सही हो जाएगा, तो इसको वो मैं फाइनल रिजल्ट मैं आपको बाद में भेजूंगा, अभी जो फिलहाल है वो मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आती है लक्की, एक्चुअल में तो इसका नाम क्या मैं भी भूल गया, क्या नाम है एक्चुअल में तुम्हारा लक्की? भूल गए, तनीसा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट है 317, यही है सेकंड रैंक पे। इसके बाद है अतीक, अतीक है 293 नंबर, 293, यह थर्ड रैंक पे। इसके बाद है निधि नेहल, इसका है 285। नेहल का स्पेलिंग सही है निधि? लोग का आवाज नहीं आ रहा क्या? लक्की निधि ज्वाइन है नहीं है? रुको, वो दोबारा हम मीटिंग से निकले थे ना तो लोग ज्वाइन नहीं है, वन सेकेंड। ठीक है, जब तक वो ज्वाइन कर रही है मैं रिजल्ट बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे निधि नेहल हो गया। फिफ्थ नंबर पे अब देखते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं फिफ्थ नंबर पे रिवा ही रहेगी। रिवा का मार्क्स है 275 फिफ्थ नंबर पे। हाँ अब होगा थोड़ा उलट फेर, ठीक है। अभिषेक का है, ज्वाइन करो, कॉल मत करो बीच में, ये हो जाएगा नेटवर्क चला जाएगा, ज्वाइन करो जल्दी से। तो रिभा है 275 नंबर, फिफ्थ रैंक है। उसके बाद रिजल्ट ऐसे बदलेगा कि 256 नंबर आया है इरहान का, ठीक है। तो ये ऑफ ऑनलाइन दे नहीं पाया, तो इससे हम टेस्ट तो ले लिए, तो इसको रैंक तो देना पड़ेगा ना। इसके बाद इरहान आएगा यहाँ रिवा के बाद, ठीक है। इरहान का 256 है, ये सिक्स्थ रैंक पे आएगा। इसके बाद अभिषेक है,
अभिषेक का 219 है, महा टाइम पास लड़का है, सेवेंथ रैंक है इसका। इसके बाद नवीन है, ये तो सब दिन मोबाइल चलाता है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं, मोबाइल चलाएगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, दौरे बाग में रहता है। 2025 में नीट पे गए। 209 नंबर है इसका, रैंक आएगा 8। इसके बाद नवीन के बाद नहीं, स्टूडेंट लोग ऐसा है कि थोड़ा सा भी कोऑपरेट नहीं करता है, घर आए हुए हैं, पता है कि कॉल आएगा तो मोबाइल का नेटवर्क जाएगा, तुरंत मीटिंग आउट हो जाएगा, लेकिन फिर भी कॉल पे कॉल आएगा। क्या एक्सप्लेनेशन दे, उस टाइम पेपर अपलोड कर रहे तो भी दो बच्चे का कॉल आ गया। कोई कोऑपरेशन नाम का कोई चीज नहीं है लोगों में, कोई चीज है ही नहीं। फिर से रिजल्ट बता रहे हैं, बार बार रिजल्ट सुनते रहो, हम औरों का कॉल काट रहे हैं, बच्चे ही कॉल कर रहे हैं बार बार, सर ज्वाइन कहाँ करना है। लकी सेकंड पे है 317, उसके बाद अतीक है। क्या जी अतीक, इतना कम नंबर कैसे आया सर? तीन क्वेश्चन में ऑप्शन गलत चला गया। वो तो ठीक है, ऑप्शन गलत तुम मार दिए क्या? मतलब कि आंसर सही था लेकिन ऑप्शन गलत ठीक हो गया, तीन क्वेश्चन में ऐसा हो गया। ये नीट वाला तुम्हारा जस्टिफिकेशन थोड़े सुनने के लिए बैठा वहाँ, ये जस्टिफिकेशन खुद को देना, नीट वाला नहीं सुनेगा तुम्हारा, ये समझे, समझ रहे हो? और अगले टेस्ट से तो पूरा ही कंपटीशन बदलने वाला है, कम से कम 15 बच्चे देंगे आपके बच्चे। रीवा का नंबर कितना है? 275। क्या जी निधि नेहल, कैसा आया इतना कम मार्क्स? सर निधि दीदी को बुलाए, नहीं आई। क्यों नहीं आई? नहीं पता, बोले कि हमको नहीं आना, जाओ यहाँ से, हमको रूम में नहीं आने थी। सर भी नहीं गए वहाँ रूम में। हाँ वो आयुष बोल रहा था, सर भी नहीं जा पाए रूम में। नहीं नहीं पापा के लिए भी नहीं खोली थी। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, अगर आप में आपसे कोई मिस्टेक्स हुआ है तो आप पेपर को एनालिसिस करो, ये थोड़ी होता है हम बंद होकर अपना हाथ पाव पटके। आपसे गलती कहाँ हुआ वो देखो ना, टेस्ट पेपर तो मॉडरेट था ना, इस बार इजी था ना टफ था, तो आपसे गलती कहाँ हुआ है वो आपको देखना है। हाथ पाव पटकना सॉल्यूशन थोड़ी है, हाथ पाव पटकना सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है, उससे हम बाद में बात करेंगे। देखो ना फिर भी एक अभिषेक 219 नंबर लाया और नवीन को पीछे छोड़ गया, नवीन को फिर भी सर माना चाहिए, लेकिन है ही नहीं सर, क्या करोगे, होता है ऐसा। 12th पास कर गया लेकिन 11th का बच्चा उसको पीछे छोड़ रहा है, बोलने के बाद भी सर आज नहीं शाम का कर पाएंगे, आज नेटवर्क नहीं था सर, आज वहां जाना, पढ़ाई कीजिए ना, यहाँ वहां बाद में जाइएगा, पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग आप ही के पास आएंगे। ये बात तो समझ ही नहीं रहे कुछ। निशा का सबसे कम नंबर आया, कोई बात नहीं है, तुम तो ये टॉपिक पढ़े नहीं थे, बायोमोलिकुल का टेस्ट देना अच्छे से। चलिए ये है आपका रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट तो नहीं है लेकिन नहीं लिखा है सर। शिवानंद का 216 नंबर आया था ना, तो शिवानंद यहाँ पे आ जाएगा।
नवीन यस सर शर्मा रहा है तुमसे, नाइन्थ क्लास का बच्चा तुमसे अधिक नंबर लाया, क्या एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास इसका? कोई एक्सप्लेनेशन है? वो एक्सप्लेनेशन गलत मार्क हुआ बहुत सारा मेरा, तो इस ये कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी है, मार्किंग हुआ तो पिछले टेस्ट में क्या सीखे, फिर क्या एक्सपीरियंस सीखे? पिछले टेस्ट में तो बोले ही थे कि ये गलती एक्सेप्टेड नहीं होगा कि ऑनलाइन टेस्ट में गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। ऑनलाइन टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ, सब कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है, जेई मेंस ऑनलाइन होता है ना, तो वहां मिस्टेक क्या होता है? वहां मिस्टेक मतलब मिस्टेक, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है। जब मार्केटिंग डिजिटल हो रहा है तो स्टडी डिजिटल डिजिटल क्यों नहीं होगा? हम लोग ऑनलाइन पढ़ाना सीखे कि नहीं सीखे? नहीं सीखते तो क्या होता बताओ? तो ऐसे नहीं होता, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है? मार्क्स इंप्रूव होना चाहिए, ये आपका अभी फिलहाल के लिए यही रिजल्ट है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, कोई एक बच्चे ले लीजिए मुझे भेज दीजिएगा, फिलहाल के लिए अभी यही रिजल्ट है। और इसके बाद वॉइस क्लियर नहीं जा रहा क्या मेरा? अभी क्लियर है सर। चलो इसके बाद कुछ आंसर में करेक्शन है, वो मैं अभी बताऊंगा करेक्शन कौन कौन सा है। करेक्शन चलिए कौन कौन सा है, पहले तो सीरियल वाइज एकदम डायरेक्ट करेक्शन है 88, 87, 88 और 89 का डायरेक्ट करेक्शन है। वो क्या करेक्शन है वो मैं पहले ही बता देता हूँ, ताकि आप फोकस ऑन डाउट पूछो ही मत। क्या करेक्शन है मैं बता दे रहा हूँ, क्या आंसर दिया और आंसर क्या होगा। आंसर दिया है डी, 86 का सी दिया है, सी डी ए और सी, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्लियर? आंसर नहीं है तो आंसर क्या भाई, आओ बताते हैं आंसर क्या है। आंसर होगा एक्चुअल में इसका 86 का डी, 87 का होगा ए, 88 का होगा सी और 89 का होगा डी। स्क्रीनशॉट लो, इस चार क्वेश्चन का आंसर मेरे से करप्शन हो गया, मतलब मेरे से मिस्टेक हो गया डालने में, ठीक है? तो अब मेरे से मिस्टेक हो गया तो मैं तुमको वही आंसर दिखाएगा। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में करेक्शन लगता है तो हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे, पेपर तो पता चल जाएगा, ठीक है? सबसे पहले अतीक का पेपर डिस्कस करते हैं, वन सेकंड पेपर में ले आऊं स्क्रीन पे। जस्ट वन सेकंड वेट कीजिए, ट्वेंटी मार्क्स जोड़ो, लकी कितना आया तुम्हारा अब? 20 मार्क्स जोड़ने के बाद लकी तुम्हारा कितना आएगा? मार्क्स कितना है? तीन सौ सत्ताईस, 337 हो जाएगा, उसका है 27। क्या है भाई देख लेते हैं एक बार,
चलिए पेपर डिस्कस कर लेते हैं पहले जल्दी से, अतीक का डिस्कस करके इसको फ्री कर देते हैं पहले। और अतीक का जो डाउट है केवल इसका डाउट है, 44 ले लेते हैं जल्दी से। क्या है क्वेश्चन 44? ये रहा, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में अतीक तुमको? कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल इज मेंटेन्ड थ्रू, यहां लिखा है गैप जंक्शन। हम पहले भी बोले थे, याद करो एनिमल्स के केस में हम तुमको बोले थे डेस्मोसोम, याद है? ऐसा स्ट्रक्चर बनाए थे, ऐसा स्ट्रक्चर याद है? यस सर। तो ये बैरियर था या कुछ और था? बैरियर था या पैसेज था ये? अतीक पैसेज था, बेवकूफ हो, ये एक सेल और दूसरे सेल के बीच में बैरियर था, एनिमल सेल में पाया जाता है, ऐसे था और ये बैरियर था, ठीक है? ये गैप जंक्शन, ये बैरियर था। रहा अगला, उधर ये ठीक है। अगला है प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लांट सेल में मिलता है। हाँ, ये क्या है? कंटिन्यूटी है किसका? साइटोप्लाज्म का। ये कंटिन्यूटी है साइटोप्लाज्म का, तो प्लाज्मोडेस्माटा है सही। लाइसोसोम और स्पेरोसोम का क्या लेना देना है साइटोप्लाज्म के कंटिन्यूटी से? कोई मतलब है नहीं है, बकवास बात। अरे एक मिनट रुक जाओ, यहाँ गैप जंक्शन लिखा है, सॉरी मैं टाइट जंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, दिस इज टाइट जंक्शन। गैप जंक्शन इज द पैसेज फॉर, आवाज इको हो रहा है, साउंड इको हो रहा है सर। यस सर, एक का माइक ओपन है, किसी का माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? बंद करो निधि लक्की, माइक ऑन है, बंद करो माइक, बंद करो। वो उसका खुद नेटवर्क एरर है, वो कुछ समझ नहीं पा रही हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो ये तो मैं टाइट जंक्शन बना दिया, सॉरी गैप जंक्शन ऐसा होता है कुछ, उसमें पैसेज होता है, एनिमेटिक्स में पढ़ा देंगे। ये तो टाइट जंक्शन है, ठीक है? तो इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन? एक गैप जंक्शन भी और एक प्लाज्मोडेस्माटा भी, ये एनिमल सेल के लिए होगा, क्लियर है? और ये प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट से निकले होगा। आंसर क्या है इसका अतीक? डी है आंसर, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। डी या डी? डी 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 सर, डी। तो तुम इस क्वेश्चन का डाउट क्यों पूछ रहे हो, कि बोनस करवाना चाह रहे हो क्या? नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा, बताता हूं क्यों नहीं बता रहा हूं, क्यों नहीं करूंगा, कर देते। तुमको हम टाइट जंक्शन के बारे में बताया कि नहीं बताया? दो सेल का मिलन स्थान होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में बोनस करने लायक मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रहा, फिर भी अगर तुम लोग लड़ाई करोगे सब लोग मिलकर तो हम कर देंगे बोनस। वैसे ये पार्ट में एनिमल टिश्यू में पढ़ाऊंगा, ये जो पार्ट है गैप जंक्शन एनिमल टिश्यू में पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो जैसे प्लांट में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ऐसे एनिमल में गैप जंक्शन होता है, फिर भी अगर तुम लोग बोलोगे तो हम कर देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसमें कितने बच्चे चाह रहे हैं बोनस? इसमें कितने बच्चे? सर हम, सर हम भी पढ़े थे सर प्लाज्मोडेस्माटा, तो वही मार दिए थे सर, गैप जंक्शन के लिए नहीं सोचे थे। चलो ठीक है, बोनस कर देते हैं। चलो बोनस काउंट करो, 44 का बोनस हो गया, चलो ठीक है। वैसे एनिमल टिश्यू में गैप जंक्शन बता देंगे, ठीक है? चलो 44 बोनस कर दिए। 86 का आंसर करेक्शन है? यस सर, अभी बताया। इसका आंसर होगा थर्ड, वो आंसर मेरे से ही गलत डाला गया था, आंसर इस थर्ड सी, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ऑक्सीडेशन ये थोड़ी करता है, फैटी एसिड हो या कोई भी फैट हो, ऑक्सीडेशन किसका है काम? माइटोकॉन्ड्रिया का, इसका काम थोड़ी है। यस सर। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इसका काम नहीं है, इसका काम है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ब्रेकडाउन भले ही करा देता है ऐसे यार, सिंथेसिस नहीं, ठीक है? चलो तुम्हारा हो गया अतीक, अगर दूसरे का सुनने में इंटरेस्टेड हो डाउट तो रुको, नहीं तो जाओ। इसके बाद अब एक एक करके लेते हैं,
एक का डाउट है 86 और 89, 86 तो हो ही गया डिस्कस, 89 देख लेते हैं। अरे यार ये तो मेरा नेदर पैलेस है, ये बोनस है, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हटाना था, गलती से आ गया यार, प्लांट डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, हम क्या करें, बोनस है, चलो दो क्वेश्चन बोनस कर दिया, बोनस वाला क्वेश्चन नोट करो कोई बच्चा, बारे में मुझे भेज देना, कर रहे हैं सर। हाँ कौन कौन सा क्वेश्चन बोनस है, एक्चुअल में क्या है ना कि ये ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट इन, मतलब कि न्यूक्लियस किसमें नहीं पाया जाता, इसमें जितने भी सारे एग्जाम्पल हैं ये सब एग्जाम्पल से आप परिचित हो ही नहीं है, तो बोनस ही करना पड़ेगा। लकी तुमको क्या प्रॉब्लम आ रहा है चैट सेक्शन में लिख के बताओ, तुम्हारा कोई साउंड नहीं आ रहा मेरे पास, चैट सेक्शन में लिख के बताओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, शायद हम सॉल्व कर पाए। अगला डाउट है इनका 36 और 43, क्या है भाई, कोई बोनस नहीं, मॉड्यूल पढ़े थे, मॉड्यूल पढ़े थे, 43 का आंसर मॉड्यूल का होगा, नोट्स में नहीं है तो क्या मॉड्यूल 75 पे, मतलब हाँ ठीक है अंगस्टम 75 पे, अंगस्टम मॉड्यूल में दे रखा है साइज। कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए, इस क्वेश्चन को बोनस नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देने जरूरी होते हैं, ठीक है, और ये वाला अब आप बोलोगे सर ये भी आप कहीं और पढ़ाओगे, नहीं कहीं नहीं पढ़ाएंगे, अगर आप मॉड्यूल पढ़ते तो शायद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, मॉड्यूल में इसकी थिकनेस दे रखी है 75 एंगस्ट्रम, ठीक है, ये बोनस नहीं होगा किसी भी हालत में, नहीं होगा 36। अब इसका मतलब भी नहीं कि टारगेट के बच्चे मॉड्यूल पढ़ने लग दो, एक आध क्वेश्चन आपको ये नुकसान झेलना पड़ेगा, सीख लो और क्या है, 36 में क्या दिक्कत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सैप वैक्यूल्स, बोल रहा है कि सैप वैक्यूल्स के लिए क्या ट्रू है, सर एनसीईआरटी एग्जामिनर में क्वेश्चन नंबर 84 था, ऐसा कह रही है कौन, निधि लगती था, तो क्या दिक्कत है, था तो था, आंसर करेक्शन है क्या 84 का, नहीं ना आंसर करेक्शन नहीं ना है, चलिए नो चलिए सही बात है, आंसर करेक्शन नहीं हो सकता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलेट में क्वेश्चन होगा। तो आगे हम बात करते हैं आपसे, अगला क्वेश्चन, अगला कौन सा क्वेश्चन है भाई, 36 हो गया, 43 बोनस नहीं होगा मैंने बोल दिया, और कोई डाउट है निधि कुमारी, और कोई डाउट निधि कुमारी नॉट नेहल, एनी मोर डाउट, थर्टी सिक्स बोले तो अच्छा अभी डिस्कशन हुआ है नहीं, सॉरी देखते हैं, which of the following is true for sap vacuole, sap vacuole plant में मिलता है, they are surrounded by tonoplast, सही बात है, vacuole की membrane tonoplast कहलाती है, they are also called gas vacuole, बेवकूफ हो गया, sap vacuole में gas थोड़ी store होता है, tonoplast perform active transport out of the vacuole, concentration of a number of ions and other material in sap vacuole is less than cytoplasm, गलत बात है, क्या बोला यहाँ, गौर लाइन गौर से पढ़ो ना, सही बात है, टोनोप्लास्ट में पंप होते हैं, लेकिन वो पंप क्या करते हैं, जबरदस्ती आयंस को अंदर में मोर रखते हैं और बाहर लेस रखते हैं, आंसर इज दैट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तब ना हो रहा है, तो यहाँ पढ़ो क्या लिखा, टोनोप्लास्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द वैक्यूल, आउट ऑफ द वैक्यूल, वैक्यूल के बाहर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, सो द कंसंट्रेशन ऑफ ए नंबर ऑफ आयन, बहुत सारे आयन एंड अदर मटेरियल इन सैप वैक्यूल इज लेस, गलत बात है, नॉट लेस, मोर, मोर, तो आंसर इज ओनली ए, आंसर ए नहीं है क्या 36 का, डाउट क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन, सर डी ऑप्शन है, आंसर इज डी है, यस सर, मैं एक बार फिर से रीड कर लेता हूं तभी आंसर करेक्शन कराएंगे, टोनोप्लास्ट परफॉर्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द वैक्यूल, सो कंसंट्रेशन सर ए ही है आंसर, वही ना ए ही होगा आंसर यार, क्योंकि यहाँ पे देखो ना लेस लिखा है ना, किसी भी तरीके से लाइन, अगर
अगर ए नहीं है तो सही आंसर ए ही होगा, करेक्शन कर लो। वैसे आंसर है क्या? आंसर है क्या वैसे? 36 है। कौन बोले थे भी आंसर? रिभा सर, तुम सस्ता नशा करते हो लगता है। आंसर ए है, तुमको डी कैसे दिख रहा है? सर तो हम ए लगाए तो हमको शो कर रहा है डी, मोर ऑप्शन वन। नहीं तुम क्या है 36 में? यस सर। ऐसा तुमको कैसे शो कर रहा है 36 में? तुम देख लेना बाद में, गलत दिखा रहा, तुम दूसरा क्वेश्चन सोच रहे हो। 36 का आंसर ए ही है, ए ही है सर। ए लगाए लेकिन हम देख लेना, तुम कोई और मिला मैचिंग में, तुम सोच सकता है मिस्टेक हुआ। ए ही है, देखो ना सारे बच्चे ये बता रहे हैं, ए है आंसर, ठीक है ना। चलो बाकी और कोई डाउट है? निधि कुमारी नॉट नेहल, नेहल से हम बाद में बात करेंगे, नेहल से हम बाद में बात। ए क्या है? ए डैस्टर है, अच्छा ए दिया है, ठीक है। और कोई डाउट है? दो बच्चों को मैं फ्री कर रहा हूँ। नो सर, चाहिए अब मैं फाइनल रिजल्ट बता दूंगा शाम तक, ठीक है। जिनका डाउट हो चुका है वो जा सकते हैं, अगर आना है तो नए मीटिंग में आइए, आपका वेलकम है, मिलते हैं नए मीटिंग में।